नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बूढ़सू से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजकीय आदर्श खेल मैदान में रात्रिकालीन अंडर आर्म सिक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार देर शाम समारोह पूर्वक हुआ। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता जॉन्टी आमिर गेसावत ने कहा कि आपसी सौहार्द व भाईचारे का दूसरा नाम खेल प्रतियोगिताएँ हैं, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। सरपंच कोकणा ने कहा कि युवाओं की सोच व समझ से ही देश व समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कार्यक्रम में जय सिंह चौहान, हेमाराम दुस्तवा, भरत सिंह राठौड़, मनोज सोनी, कांस्टेबल सुरेश कुमार मीणा भी बतौर विशिष्ट अतिथि मंचासीन रहे। उद्घाटन से पूर्व प्रतियोगिता के आयोजकों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि जॉन्टी गेसावत व अन्य अतिथियों ने फीता काटकर व शॉट लगाकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन के पश्चात पहला मुकाबला कुचावन व बरवाला की टीम के मध्य खेला गया। अतिथियों ने दोनों टीमों के बीच टॉस करवाकर खिलाड़ियों का परिचय लेकर मुकाबला शुरू करवाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुचामन टीम ने निर्धारित 6 ओवर में 74 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बरवाला टीम ने बल्लेबाज मुकेश के अर्धशतक की सहायता से लक्ष्य हासिल कर मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया। इस मौके पर सोनू जांगीड़, महेंद्र सेन, आसिफ हाफिज, ललित सोनी, संदीप कछावा सहित बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी मौजूद रहे। बूढ़सू से राकेश शर्मा की विशेष रिपोर्ट।